फ्रेंड्स, पहले नाइशा को सुन लीजिए, फिर हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले इसने बोलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज वर्ल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मदरशिप। तो कैसे हैं सब? आई नो बहुत टफ टाइम है, बहुत लोगों के घर में टफ टाइम है, बहुत लोग दुख दर्द से गुजर रहे हैं, किसी ने किसी को खो दिया, किसी के घर में कोई बीमार है, यानी सिचुएशन इज वेरी वेरी टफ। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही, यानी कि बहुत, यानी उसको हम बयां कर ही नहीं सकते, हम बोल तो हम सकते ही नहीं है ना, वी कांट एक्सप्रेस। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं ना कि करें भी तो क्या, कैसे। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो कई लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, ये कर दो वो कर दो, लेकिन यार ये भी डॉक्टर हैं बट इनकी लाइन अलग है ना, हर चीज़ तो ज़रूरी नहीं ना इनके पास भी अवेलेबल हो, तो बड़ा अजीब लगता है। यानी बहुत लोग आए हैं, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन इस टाइम पे कंडीशन ऐसी है ना कि जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं जिनकी ड्यूटी कोविड में है ही नहीं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी इस टाइम पे पीजी कर रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में, तो उनके हाथ में तो वैसे भी इस टाइम कुछ नहीं है, पर वो भी जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे भी हैं इस टाइम नहीं है, रिसोर्सेज इतने नहीं है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्स के कारण कितनी डेथ हो रही है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। भगवान करे जल्दी से ये जो सुनामी आई है ना कोरोना की, ये शांत हो जाए एंड सब कुछ नॉर्मल हो सके, ये बच्चे लोग नॉर्मली खेल सके बाहर निकल के। इन्हें आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 19th को दिल्ली से आ गए थे क्योंकि 20th को लॉकडाउन लगने वाला था, यहाँ मम्मी अकेले थे जैसा मैं बता ही चुकी हूँ सारा, और फिर शादी थी घर में। उस टाइम पे सिचुएशन वॉज नॉट दिस वर्स, नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा। तो जब से हम मास्क में, घर में भी हम मास्क वेयर कर रहे थे पूरा, अभी 2 दिन पहले से ही हमने घर में मास्क बंद किया, और ना हम घर में भी हमने प्रॉपर मास्क पहन किया था, बच्चों ने, मैंने, दीदी ने, जो भी जितने भी मेम्बर्स थे। अब तो मैं गर्मी इतनी हो गई है कि मास्क पहन, घर में मास्क पहनना भारी पड़ रहा है, बाहर तो ऑफकोर्स अभी भी 2-2 मास्क पहन के जा रहे हैं। तो मौसम को देख के मैंने सोचा कि चल यार मौसम अच्छा था तो मैंने ब्लॉग कैमरा ऑन किया, तो मुझे लगा चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं, वरना इतनी नेगेटिविटी आ गई है ना कि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, क्या ही बोलो ना, हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये ना, हम कुछ कर सकते हैं, वी आर हेल्पलेस। कुछ हो जा रहा है, आप मिल नहीं सकते हो, किसी की डेथ हो गई आप मिल नहीं सकते हो, यानी ये देखो कि किसी के मरने पे भी आप उसके कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हो, इससे और बुरा। जिंदा में तो हम नहीं मिल पा रहे थे, वो एक अलग चीज है, लेकिन मरने के बाद भी इंसान ऐसे ही चले जा रहा है। तो बस भगवान सबको हिम्मत दे इस दर्द को सहने की। तो मैंने, जैसे कि आपने मेरे इंस्टा और फेसबुक पे देखा होगा, मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है फर्स्ट डोज, क्योंकि 18+ के लिए स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगा चलो, मैं जब मैं कैमरा ऑन ही कर रही हूँ तो क्यों ना मैं रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि कैसे होता है, क्या हुआ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके, कुछ नहीं बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, यानी वैक्सीन लगवाने के नहीं, जाने के, जो वहां पे हमने जब चीजें करी हैं, फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो आपको रजिस्टर करना है अपने आप को कोविक्स पे, है ना, उस पर हमने किया आधार, हमने आरोग्य सेतु के थ्रू रजिस्टर कर दिया था वैक्सीनेशन के लिए। फिर वहां से कोविक्स की साइट आती है, वहां से आपको शेड्यूल करना होता है। तो फर्स्ट डे तो हम बिना शेड्यूल के पहुंच गए, हमें आइडिया देता है कि शेड्यूल करना है। तो मेरे घर के जस्ट बगल में है ये आयुष करा, इसके बगल वाला घर, उसके बगल वाला घर है वो स्वास्थ्य केंद्र है। तो हम पहुंच गए, फिर उन्होंने कहा कि बिना स्लॉट्स के आप नहीं कर सकते हो, तो हम आ गए। फिर सेकेंड डे मैं गई हूँ, सेकेंड या थर्ड की बात है, मुझे डेट याद नहीं, तो मैं गई हूँ। तो मैंने फिर उसी दिन रात को ना स्लॉट बुक कर दिया था, जिस दिन मेरा नहीं लग पाया था, तो फिर हमें पता चला कि शेड्यूल का भी कोई ऑप्शन है, मैंने स्लॉट बुक कर दिया था। स्लॉट्स, 4 स्लॉट्स आ रहे हैं, 9 to 11, 11 to 1, 1 to 3 and 3 to 5, ऐसे 4 स्लॉट्स आपको मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने 9 to 11 का स्लॉट लिया था,
तो जब मैं वहाँ गई, मैं गई 9 बजे, पहुंच गई थी, मुझे लगा घर के बगल में, तो फर्स्ट स्टॉप अपना करा लेती हूँ, फ्री होके फिर अपन दिन भर फ्री रहेंगे। तो मैं गई तो वहाँ पे भी अगेन दे वेयर राइटिंग द नेम्स, फिर सिक्वेंस लग रहा था, फिर नेम्स लिखने थे, तो वहां जाके फिर नंबर लगाओ, यानी तो स्लॉट का क्या मतलब बना मुझे नहीं पता, फिर ठीक भी है लेकिन फिर भी। तो वहां मैं 9 बजे पहुंची हूँ शाम, क्योंकि मेरे तो घर के बगल में है, लेकिन ऑलरेडी 10 बजे लोग आ चुके थे, मेरा 11th नंबर था। एंड 9 बजे हम पहुंच गए हैं, बट टीम नहीं आई थी, तो दे सेड कि 10 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होगा, आप घर जाइए या वेट करना है वेट कर लीजिए, बट कोविड में कौन चाहेगा यार ऐसे में वेट करना। तो मैं घर आ गई थी क्योंकि मेरा घर बगल में है, तो हम आ गए थे घर पे, मैं घर आ गई थी। लकीली ये है कि मेरे तो घर के बगल में, तो मेरे पीछे टावर्स जो है उससे भी वो साइड से दिख रहा था, जहां पे वो वैक्सीन लगा रहे थे वो दिख रहा था, रूम जो है वो विजिबल था। तो मैं तो बाबा चेक करती रही, मैंने देखा कि स्टार्ट हो गया तो मैं तुरंत चले गई थी, तो मेरा नंबर जाते ही आ गया। बट ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जो बेचारे दूर रह रहे हैं, मेरे तो बगल में नहीं पड़ोस में थी, जैसे मेरा 183 नंबर है मेरे घर का और वो 185 है, 85 है या 82 है, अरे दो का एक घर का बीच में गैप है, मुझे तो याद भी नहीं कि यूं सिक्वेंस जा रहा है कि यूं जा रहा है ना, बट एक घर बीच में नेक्स्ट घर वो है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, और देन जहाँ पे उस टाइम पे अपने घर भेज दिया लोगों को, और जो लेकिन उस टाइम अवेलेबल था उनको वो वैक्सीन लगती जा रही है, बेचारे कुछ तो जो चले गए वो तो फिर आके वेट करेंगे, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था। एनीवेज फिर हम जिसे नंबर लगा हुआ था, फिर उन्होंने एक एक करके भेजा, ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक एक करके ही वो भेजे थे, काफी लंबा एरिया था, मैंने वहां शूट नहीं करा, भूल गई, माइंड में ही नहीं आया ना, इतना मीन्स नेगेटिविटी आ गई है कि मेरा बिल्कुल ब्लॉगिंग करने का यहाँ मन नहीं कर रहा है। मैंने बहुत कम, आपने देखा शादी में शूट किया था, जब तक भी शादी में बिजी हो गए थे, तो इतना मीन्स माइंड में ये सब था ही नहीं, करोना फरोना ना। बट उसके बाद जब घर में बैठे फोन पे व्हाट्सएप, उस टाइम तो टाइम ही नहीं मिला फोन चेक करने का, इंस्टा इतना ज्यादा चेक करने का, अब तो हर जगह लेकिन चेक कर रहे, तो बहुत नेगेटिविटी आ गई है। फैमिलीज में भी काफी लोग को हुआ, कुछ रिकवर हो गए। तो कुछ रिकवर भी कर गए और कुछ, एनीवेज तो क्या बोल सकते हैं, बैड टाइम भी आया बहुत है, तो हर जगह ही इस टाइम पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। तो मैं वहां का शूट नहीं कर पाई थी, और आज मेरा थर्ड डे है वैक्सीन का। जब मैं वैक्सीन लगवा के आई, ऊपर जाके वो एक एक करके, फिर अगेन डिस्टेंस मेंटेन था, सब कुछ मेंटेन था, ऊपर मैं गई, वैक्सीन मेरे लगा ऊपर जाके, 2 मिनट में लग जाता है, कोई नहीं, नॉर्मल टिकट लग गया। मैं घर आई, इनफैक्ट मैं घर क्या, मैं तो मार्केट गई उसके बाद, क्योंकि सामान वामान लेके आना था, सामान लाई, सब्जी वब्जी भी लानी थी, दीदी भी गए थे साथ में, तो हम दोनों गए कि हम सैनिटाइज किया, सामान को सैनिटाइज करके साइड में रख दिया, फिर खुद को सैनिटाइज किया, और फिर हम तुरंत नहाने चले गए। नहाने के बाद फिर किचन घर का काम वाम करा सारा, खाना पीना बनाना, बर्तन वर्तन वो सब, उसके बाद मैं सो गई, दीदी भी सो गई, मैं भी सो गई। और जब मैं उठी हूँ ना शाम, नहीं यानी मैं सो गई मैं लेटी ना, तो मुझे ऐसा फीवरिश, अजीब सा फील हो रहा था, फीवरिश हो सकता है कुछ, तो है ना लोग आपको बता देते हैं तो आपके माइंड में साइकोलॉजिकल बैठ जाता है, जो मुझे लगता है कि भैया नहीं आपको बुखार चढ़ेगा, आपको डोलो खानी है, आपको क्रोसिन खानी है, तो मीन्स वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी है, जो आई गेस मुझे लगता है। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि गरम गरम आईज गरम हो रही हैं, और बड़ा अजीब सी फीलिंग होने लगी। तो मैंने सिफर साइड के लिए डोलो खाई, डोलो टैबलेट जो है वो खाई, डोलोमाइट 650 ग्राम्स, और खा के मैं सो गई। जब मैं सो के उठी तो मुझे हो गया कोल्ड, छींक रही थी मैं, तो मुझे लगा क्योंकि मुझे नजला भी है मुझे और आयुष को ना एलर्जी टाइप पता नहीं हो जाती है, तो मुझे लगा हो सकता है वो हो गया। और बॉडी पूरी ऐसा टूट रही थी कि बस पूछो मत, पूरी बॉडी में पेन, और फुल बॉडी में से ना एक आग ऐसा, मैं सूरज बन गई हूँ, मैं सन बन चुकी हूँ ना, ऐसा फील आ रहा था, इतनी आग, हाथ पैर चेस्ट सब कुछ में से आग निकल रही थी, सब कुछ में से। तो मैं इतना बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे। फिर कल निकला, कल भी मेरे साथ ये रहा, कल भी मुझे सुबह उठ के क्रोसिन खानी पड़ी, मैंने क्रोसिन खाई, फिर ठीक हो गया, क्रोसिन के बाद ठीक हो गया, फिर मुझे रात को मैंने क्रोसिन खाई थी उसी दिन, मीन्स फीवर भी नहीं कह सकते, बट बहुत अजीब सी फीलिंग थी, बहुत अजीब फीलिंग, मीन्स फीवर नहीं आया लेकिन समझ नहीं आया क्या आया क्या हुआ ना, मीन्स ऐसा 2 दिन मेरे साथ रहा, और जुकाम कोल्ड था, प्रॉपर कोल्ड था, दैट आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, कोल्ड था वो, अभी भी मुझे आपको लग रहा होगा शायद बातों से थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा, तो वो कोल्ड था मुझे। बट बॉडी आज थर्ड डे है,
तो इवन आज भी मेरी बॉडी में पता नहीं अजीब सा फील है, जैसे कोल्ड में नहीं, कोल्ड वाला ही फील है, वैसे कोल्ड में नहीं होता, सर थोड़ा सा हैवी और हाथ पैर टूट रहे हैं, है ना। अगर ज्यादा देर खड़े हो रही हूँ ना तो पैरों में पेन होने लगता है, तो बस यही चल रहा है। तो मुझे लगा चलो मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो रिव्यू शेयर कर दूं, लेकिन यस बॉडी टू बॉडी पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं, कईयों को कुछ भी नहीं होता है, कईयों को पता भी नहीं चलता कि वैक्सीन लगी है। मेरे नोन में है, मेरे हस्बैंड को इनफैक्ट उन्होंने जब वैक्सीन लगवाई थी तो उन्हें भी कुछ नहीं था, हैंड में पेन था, जैसे मेरी भी इसमें लगी है तो मेरी हैंड में पेन अभी अब तो नहीं है, कल था परसों भी था, ये तो पेन तो होगा हल्का फुल्का, लेकिन फीवर वीवर में कुछ को होता है कुछ को नहीं होता, वही है इम्यूनिटी मैटर करती है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो मेरे साथ जो रहा मैंने आपको बिना कुछ छुपाए क्लियरली बता रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरी बॉडी बहुत पेन हुई है। लेकिन देखो जो मैंने बीइंग अ डॉक्टर्स वाइफ, क्योंकि मैं डॉक्टर की वाइफ हूँ, अगर मैं ही वैक्सीनेशन नहीं करवाती हूँ तो दैट विल नॉट बी जस्टिफाई नहीं करता वो अपने आप को खुद को भी, और एज एन हस्बैंड डॉक्टर की वाइफ वाली बात भी नहीं है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें करना चाहिए, जब गवर्नमेंट हमारे कुछ इनिशिएटिव ले रही है तो, क्योंकि यार जो देखो ना सीवियरिटी कम हो जा रही है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जा रही है इन्फेक्शन ये लगाने से, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की ऑफकोर्स लोग कहते हैं कि भैया वैक्सीन लगवा ली फिर भी मर गया, अरे तो मर गया रीजन होता है क्यों क्या कैसे, लेकिन कंपैटिबली अगर हम डाटा देखते हैं तो जो लोग जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है उनकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी बूस्ट हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है लड़ने के लिए कोरोना वायरस से। तो आई गेस सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, डरिए मत, लगवाइए। हाँ ये मान के चलिए कि दो दिन हो सकता है आप बीमार रहेंगे, हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, और माइंड में कुछ लेके मत चलो। मैंने तो ये जो साइकोलॉजिकल, क्योंकि उससे पहले मेरी काफी लोगों से मिस फ्रेंड से बात होगी तो उन्हें नेगेटिव थॉट्स माइंड में चलते कहीं ना कहीं माइंड में चलते रहते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं आपको बॉडी को डील करते हैं। और कोरोना वायरस पूरा यहाँ का गेम तो है ही है, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बिजी रहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने ना बिजी होना छोड़ दिया, मैं ब्लॉग्स बनाने छोड़ दिए, अगर मैं बिजी रहती हूँ, मैं अपने ऑडियंस आप लोगों के साथ बिजी रह रही हूँ, बच्चों के साथ बिजी रह रही हूँ, तो वो निगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आती है। यार देखो शादी बढ़िया से हमने कर ली, कोई नहीं था वहां, कोई बीमार नहीं है, टचवुड वहां भी इस टाइम कोई बीमार नहीं, यहाँ नहीं, तो भाई वेदर चेंज थोड़ा कोल्ड वोल्ड तो वेदर भी ऐसा हो रहा है, और कोल्ड वोल्ड होता है तो हमने पहले भी टेस्ट कराया था और अभी भी टेस्ट करवाया, अगर जब भी हमें ऐसा लगा है तो हमने तुरंत टेस्ट करवाया है एंड टेबलेट्स खाई है अगर लगा, वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी के साथ। तो बस यही है, रैंडमली मैंने ब्लॉग आज बना दिया क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था और लगा जब ऑन ही किया है तो चलो कुछ तो शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। आप देख सकते हो हवा इतनी अच्छी चल रही है, नहीं नहीं इसमें तो वीडियो में आ भी नहीं रही, इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो बस इतना ही, एक नॉर्मल सा ब्लॉग रख रही हूँ इसको, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, घर से बिल्कुल बेमतलब बाहर मत जाइए, जाते भी हैं तो अच्छे से अपने आप को आने के बाद सैनिटाइज कीजिए, डबल मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, और ये कॉटन के जो मास्क है ना लगा लो, बट सर्जिकल मास्क जरूर यूज करिए, और यहाँ से इसको बंद रखिए ताकि आपकी एयर अंदर, कई लोग क्या है यहाँ लगाते हैं वो मास्क, ऐसे ना करें, मास्क को पूरा कवर करें, है ना, और बार बार उसको टच ना करो, हैंड सैनिटाइज जरूर करें आते ही, या कपड़े चेंज करें या नहाएं जो भी है, बट पूरा ध्यान रखिए यार, यानी एकदम से सुनामी आ गई है और बहुत बुरा लग रहा है, स्टेटस इंस्टा फेसबुक को देख देख के बहुत बुरा हाल है, कितनी यानी मौतें हो गई हैं, और ये देखिए यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इस सुनामी का शिकार हुए हैं। खैर सबको भगवान हिम्मत दे इस दर्द को सहने की, आप सब जब तक सब अपना रखिए ख्याल अच्छे से, बस आज लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि आज का ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया कि लाइक शेयर सब्सक्राइब किया जाए, आज का ब्लॉग खाली एक जनरल सा ब्लॉग है जहां मुझे लगा कि अपने अपनी बातों को अपने एक्सपीरियंस को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बस बाय।